अगे मैं कई पगले बच्च पढ़ रहे नहीं मानते गल आप सब उम्मीद अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आई का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं भी जा रहा हूँ जी 15.09 की कटाई करने के लिए, क्योंकि हमारा चारा आपको पता कि खत्म हो गया होगा। तो भाई 15.09 को जो है वो हाथ लगा दिया, मुंजी 15.09 मुंजी है उसको हाथ लगा दी है, ताकि वो काट के ला के तो अपने जानवरों का जो है वो चारा डाल सकें, क्योंकि इस तरह तो ये बेचारे भूखे हैं। आप ये भैंस का देख सकते हैं क्या हाल बना हुआ है। कल भी हमें चारा थोड़ा मिला था, तो इस वजह से थोड़ा ही लेके आए और थोड़ा ही इनको डला था। तो आज जो हम अपनी मूंजी को हाथ लगा रहे हैं ताकि हमारे जानवर भूखे ना रहें। अभी जा रहे हैं हम 15.09 की कटाई करने के लिए, हमारे साथ रहें और देखें कि हम कटाई करके उसको ला के तो क्या करते हैं, तो फिर वो चारा जो है वो डालने वाला होता है। चारे की इतनी किल्लत पड़ी हुई है कि ये आप देख रहे हैं कि ये मूंजी ऊपर से काट के तो फिर जो है जानवरों को डाली जा रही है। ये ऊपर से कटाई की है इस मूंजी की, थोड़ी उत्तों रख के वड्डी है थलों जरा पना है ना, बहुत ही उत्तों भी ना करी, चप्पा चप्पा आप ही लग जाता, चप्पा चप्पा पड़ाया चप्पा हट के उत्तों वड्डा। वजन सही है, 50 मान के निकल आए ना, अपना ना कर दाने चढ़ जाने। मोटरसाइकिल से खिला रहा, चादर फड़ लिया चल जाना। चादर तो लैबो चलो मूंजी जो है उसकी हम कटाई कर रहे हैं। जवेद डाल रहा है और कामरान जो है कामरान डाल रहा है और जवेद जो है ये काट रहा है मूंजी को, मैं भी काट रहा था। ये दात्री मेरे पास है, ए खड़ी है बस करिए या एक और ले जाइए, पिछले टाइम जो हूं जो ना यार डड्डू देख रहे हैं।
शहर से आकर तो मैं सो गया था, अभी सो के उठा हूँ तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी फसल की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे पैप आपको नज़र आ रहा है ये वाला, वहाब को मैं साथ लेके आया हूँ, तो ये अभी इसको इकट्ठा करेगा और मैं मोटर खोलनी है, मोटर खोल कर दूसरी साइड पर लगानी है, क्योंकि आज दोपहर को सो लिया और अभी बहुत ज़्यादा काम मुझ पर, इसलिए जो है व्लॉग थोड़ा सा छोटा ही बन गया क्योंकि दोपहर को सो गया था। तो आपको पता है कि मैं डेली बेस पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ और रोज़ का रोज़ जितना मैं व्लॉग जो है बनाता हूँ रोज़ ही उसे एडिट करके तो अपलोड कर देता हूँ। तो फ़िलहाल वहाब जो है ये आपके सामने है, ये इकट्ठा करने लग पड़ा। तो ये पाइप जो है ये इस तरह इकट्ठा नहीं करना, आपको पता ये करना किस तरह, किस तरह, इधर आओ एक मिनट, सब्र कर सब्र कर सब्र कर, इधर आओ, एक साइड से इकट्ठा करना है तो इसको फोल्ड करके तो फिर करना है, किस तरह, थोड़ा सा बड़ा करो इस तरह, नीचे रख के, नीचे रख के, ज़मीन पे रख के इस तरह। मैं वो मोटर खोलता हूँ और तुम जो है ना राम राम से इस तरह, हाँ इस तरह बिल्कुल ठीक है, इस तरह फोल्ड करो, ये सारा करना है, आगे समझ, आधा यहाँ से वहाँ तक करना जहाँ पे इकट्ठा किया, तो बाकी उससे आगे, ठीक है। हाँ मैं अभी वो मोटर खोल लूँ क्योंकि मोटर खोल के तो दूसरी साइड पे लगानी है। और आप देख रहे हैं कि दिन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, सूरज ग़ुरूब हो चुका है, ये दरख्तों के पीछे आप देख रहे होंगे। इस कमाद को भी पानी लगाना है, पाइप जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया सारा। कितों करके करना नका, ऐसे सामने सामने कर देना है, ऐसे तोरिया भी लग गया नाल ही, कमाद में तो लग गया 5 मिनट और लगने, कमाद में तो 5 मिनट और लगने। बाबा पता की कर, इन्ना ना जिन्ना उधरों किया इन्ना के आस पास कर दे, इनू खिंच के वह पिछे लैके जा, इन चुक के वह पिछे लैके जा, ले जा पिछे। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी काम है थोड़ा सा ज़्यादा, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं और ब्लॉग आगे बना सकूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।